ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज की वीडियो में बात करेंगे बुध खारा नंबर 12 में हूँ तो क्या इसके पॉजिटिव और क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं सभी को बता दूं कि सभी के लिए लाल टॉप का फ्री में कोर्स स्टार्ट किया है। जिन लोगों को सीखने की इच्छा है, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, ये कोर्स सभी उन्हीं के लिए है। सो ये स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बुध खारा नंबर 12 में हूँ। और इन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। बुध 12 में हो, रात की नींद हराम होगी, अचानक उजाड़ने वाला, मुड़ जाने के बाद किससे सुनाने वाला होगा। बुध 12 में हो तो ये रात की नींद को खराब कर देता है, यानी कि रात की नींद को उड़ा देता है। अचानक उजाड़ने वाला यानी कि बर्बादी का कारण होता है। और ये लोग जब भी लुट जाते हैं, लुट जाने के बाद किससे सुनाने वाले होते हैं। बुध 12 वाला व्यक्ति बुध 12 वाली लड़की से कभी भी शादी ना करे, ये आपको बहुत ध्यान से देखना जिनका भी। और एक चीज और ध्यान रखना, ये आपको सिर्फ वैसे तो मेल के चार्ट में देखना, बुध 12 मेल के चार्ट में नेगेटिव होता है, फीमेल्स के चार्ट में ये पॉजिटिव ही होता है। बुध 12 अगर मेल के चार्ट में भी है तो अगर फीमेल के भी सामने से 12 में है तो उनसे शादी मत करिए। अगर शादी कर ली तो केतु को अच्छा करे, यानी कि या तो खाना नंबर 9 में लेके जाए या 12 में लेकर जाए। बुध 12 में बैठकर केतु को खराब करेगा। बुध 12 मंदा हो तो हवाई काम, व्यापार, सट्टा मंदा और जुबान बर्बादी का कारण बनेगी। यानी कि बुध 12 में हो मंदा, 12 में मंदा हो तो हवाई काम, व्यापार, सट्टा और मंदी जुबान बर्बादी का कारण बनेगी। बुध 12 में हो 25 की आयु में शादी नहीं करनी, और अगर शादी हो गई तो मर्द माया दोनों बर्बाद, उम्र का हर तीसरा साल मंदा होगा। बुध 12 के समय 30 से कम और 32 से ज्यादा दांत हो तो मंदा असर करेगा। बुध 12 का अगर मंदा हो तो हल्की सी परेशानी भारी नुकसान करेगी। बुध 12 के समय अगर बुध को राहु का साथ मिल जाए, दोबारा फिर सुन लो, बुध 12 के समय अगर बुध को राहु का साथ मिल जाए और राहु मंदा हो, खराब हो, तो जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, इन जगहों पर आना जाना लगा रहता है। और आप लोगों को दुनियावी 3 कुत्तों की सेवा करनी है और उसी के साथ साथ कुत्तों की भी सेवा कर सकते हैं। कुंडली वाला दूसरों की सलाह लेकर काम करे। बुध 12 के समय एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, नाक छेदन करवा ले, सबसे उत्तम उपाय है। और 100 दिन तक नाक छेदन करवा कर रखे। बुध 12 हो तो भस्म का तिलक ना लगाए, नहीं तो पिता की उम्र शक्की होगी। अगर बुध 12 मंगल 6 में हो तो कुंडली वाले की माता और मामा दोनों दुखी होंगे। बुध 12 में हो, गुरु 6 में हो, पिता की दौलत और उम्र शक्की होगी। बुध 12 सूर्य शनि 6 में चले जाए तो दोनों बर्बाद। बुध 12 के समय 6 का ग्रह मारा जाएगा। बुध 12 के साथ सूर्य या शनि हो तो ठीक है। बुध 12 शनि 2, यानी कि यहाँ पे एक साधु समाधि का रूल लगता है। दो का जो खरन, दो का कनेक्शन 12 से होता है, इसको साधु समाधि कहते हैं। अगर एक खाली हो तो अच्छा, और अगर है तो, अगर एक में कोई भी ग्रह है तो उसकी उम्र के बाद अच्छा फल होगा। बुध 12 को शनि की सपोर्ट देनी जरूरी है। बुध शनि और गुरु तीनों ग्रह साधु समाधि के रूल से मिल जाए, या बुध 12 गुरु 3 या बुध 12 शनि 3, बुध कुंडली वाले के लिए परिवार के धन दौलत का मालिक होगा। बुध 12 में हो, गुरु 2 में हो, धन इज्जत शोहरत के मामले में गुरु और बुध दोनों अच्छे होंगे। गुरु 2 में हो, जो भी ग्रह गुरु के लिंक में हो, गुरु के अधीन होंगे। बुध 12 के समय अगर गुरु शनि इकट्ठे हो तो बुध का फल उत्तम होगा, लेकिन बुध से अलग बुरा असर बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ये दुखी हो सकते हैं। बुध 12 मंदा हुआ तो शराबखोरी या फिर झगड़े से सब कुछ बर्बाद या तबाह कर लेने वाला। कुंडली वाले की जुबान दूसरों को धोखा देने से बाज नहीं आएगी। शराबखोरी मंदी हालत की पहली निशानी, दिन खराब भी गया। शराब पीकर ऊपर से सच्चा अंदर से झूठा, जिनका भी बुध 12 में है और मंदा है तो शराब पीने के बाद ऊपर से सच्चा अंदर से झूठा, ऐसा व्यक्ति होता है ये। बुध 12 में, बुध 12 और राहु साथ में हो, केतु 6 में हो तो औलाद ससुराल दुखी, जिंदगी मंदे हालत में, राहु तो ससुराल, केतु तो बेटे की। अगर राहु मंदा तो ससुराल की, अगर केतु मंदा है तो बेटे की। बुध 12
खाना दो खाली, कम अकल जल्दबाज होगा। बुध 12 में हो, खाना दो खाली हो, ऐसा व्यक्ति कम अकल होगा और जल्दबाजी में काम करने वाला होगा। और इनको मंदिर जाते रहे तो ये इनके लिए मुबारक है। ध्यान से फिर सुन लेना, बुध 12 खाना दो खाली, मंदिर जाते रहे मुबारक। बुध 12 में हो, राहु 8 या 12 में हो तो जेल खाना, पागल खाना या मंदिर जाना क्लेश का कारण होगा। जेल खाना पागल खाना इनका लगे रहता है, मंदिर जाना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। बुध 12 में हो, राहु 8 में हो या राहु 7 में 12 में ही हो। बुध 12 चंद्र 6 माता का भाग्य रद्दी, कुंडली वाले की माता या कुंडली वाला खुदकुशी कर सकते हैं। बुध 12 शनि 6 कारोबार रिश्ते सब मंदा असर देंगे। सो आपके लिए बहुत ही सिंपल एक और रेमेडी है। बुध 12 के लिए बोला जाता है कि सूखे खड़े पानी में जल प्रवाह करें। जिनका भी बुध वर्ष फल में दोबारा 12 में आता है तो सूखे खड़े पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। और सबसे सिंपल रेमेडी जो नाक छेदन जरूर करवाए। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पे। और आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियोस चाहिए। और अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जाइए उस नंबर पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या चैट पे बात कर सकते हैं। सो फ्री के लिए कॉल या मैसेज बिल्कुल ना करें, कंसल्टेशन पेड है। ओम नमः शिवाय।